गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आज जेईई मेंस का स्कोर कार्ड घोषित कर दिया गया है, जिसमें जो कट ऑफ गई है उसको हम आपको बता दें। कट ऑफ गई है अपने जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 90.37, ये कट ऑफ गई है 90.37653535, और जनरल EWS के लिए गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे के लिए 70.24355518, और जो OBC बच्चे हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए उनके लिए गई है 72.888879, और उसके बाद में जो SC के बच्चे हैं उनकी कट ऑफ गई 50.176024545, और उसके बाद ST के बच्चों के लिए 39.069601, ये आपकी कट ऑफ गई हुई है। इसके बाद में हम आपको बता दें इसके जो स्कोर कार्ड है, इस स्कोर कार्ड को देखने का जो तरीका है उसको हम बता दें किस तरीके से आप देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऊपर दिया गया है पेपर फर्स्ट जिसका अभी आपके सामने ये स्कोर कार्ड घोषित किया गया है उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपके पास में दो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक एग्ज़ाम जो होता है जनवरी सेशन वाला होता है, और NTA एक दूसरा पेपर कराती है जेईई मेंस का जो कि अप्रैल या सितंबर के बीच में होता है जो कि अभी हुआ है। तो जनवरी में जैसे मान लो फिजिक्स में इस बच्चे का हुआ है 97.22277785, और केमिस्ट्री में है 97.074319, और मैथमेटिक्स 94.832931317, और टोटल जो इसका स्कोर आया हो 97.448574 आया है। इसने जो है अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था उस रिसेंट वाले एग्ज़ाम में इसने स्कोर जो गेन किया है वो गेन किया है, आपको हम बता दें ये अभी आपका सितंबर का स्कोर है 97.409417, और इसके बाद में जो इसका फिजिक्स का है 98.3455 है, और मैथ का 92.589587 है। जो टोटल स्कोर इसका कुल मिला करके आया हुआ है वो इसके आया हुआ है 97.469913। जो फाइनल दोनों में जो बेस्ट होता है उसी का स्कोर क्या होता है यहाँ पर काउंट करके दिया जाता है। तो लास्ट में जो इसका बेस्ट स्कोर आया है इन दोनों अटेम्प्ट में 97.469913, ए स्कोर जो है इसका फाइनल स्कोर है, इस बच्चे ने गेट किया है। अब ए चूँकि 90% से ऊपर है तो हम कह सकते हैं कि ए बच्चा जो है जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड है। जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाइड नहीं कह सकते, जेईई एडवांस के लिए अपीयर हो जाएगा। जेईई एडवांस के लिए क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। अब ये इसका जिसका फॉर्म आज से मतलब भरा जाएगा तो उसके लिए क्या है, ए अपीयर हो गया, और इसका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा है 97.4693। अगर यदि भगवान चाहेंगे तो जेईई एडवांस में अगर इसका हो जाता है तो इसको आईआईटी तो मिलना तय है। और बाय द वे अगर मान लो कि इसका जेईई एडवांस में ना हो पाएगा तो इसको एनआईटी जो आईआईटी से ठीक नीचे होती है, लगभग 30 कॉलेज के आसपास अपने ऑल ओवर इंडिया में हैं, एनआईटी है या IIIT है या CFTI, IIIT NIT से थोड़ा नीचे होती है क्रस कह सकते हैं उसकी रैंकिंग। CFTI जो सेंट्रल से फंडेड टेक्निकल या अन्य गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, उन सारे में हमारा जो ए स्कोर कार्ड अभी आया है जेईई मेंस का, ये जो अभी स्कोर कार्ड आया है अपने पास में जेईई ए मेंस का, इस स्कोर कार्ड के माध्यम से उनका जो है एडमिशन होगा। तो इसको हमने आपको बता दिया। यहाँ पर दो बच्चों का क्या है कि सिलेक्शन एक तरह से कह सकते हैं इसमें चयन हुआ है। पहला तो है श्याम सुंदर रामचंद्र तिवारी जैता सर, 97.46933913 इस बच्चे का स्कोर है टोटल जो इस बच्चे ने गेट किया है, तो इसको जो है लगभग NIT मिलना 100% अभी तक तय है। बाकी आगे अपने जेईई एडवांस का जब पेपर देगा तो जेईई एडवांस के पेपर में अगर इसने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो इसका जो है IIT 101% है मिलना तय। तो इस तरीके से ये पहला हमारा जो है स्कोर कार्ड है, और आपके ही इसी एरिया का बच्चा है जिसका रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है इतना, और रोल नंबर आपके सामने ये इतना है, सॉरी रोल नंबर जनवरी का उतना था, अप्रैल का इतना है, ठीक है।
अब उसके बाद में दूसरा बच्चा जो इसी साल ही सीनियर क्लास किया था, उसका स्कोर कार्ड हम आपको बताएंगे। उसका स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं, कितना है उसका स्कोर कार्ड। उसका स्कोर कार्ड है, ये आपके सामने है, दूसरा बच्चा है जिसने बिना तैयारी के ही, आज देखें आप इसका स्कोर कार्ड तो आपको बहुत आश्चर्य महसूस होगा आपके सामने कि इसने जो है, पहले तो नाम बता दें इसका, इसका नाम है सुभाष सिहाग, जो कि राणा सर जैता सर का रहने वाला बच्चा है। सुभाष सिहाग राणा सर जैता सर का रहने वाला बच्चा है। इसने स्कोर किया है, थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, एक मिनट बताते हैं आपको, थोड़ा साफ इसका सिस्टम, एक मिनट। इसने जो स्कोर किया है, एक मिनट, इसका स्क्रीन शॉट लिया गया है, साफ कम दिखाई दे रहा है। इसने एक मिनट, इसका स्कोर